हेलो स्टूडेंट्स, हमने जीरो आर्टिकल को पढ़ा था पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स को, ठीक है। और आर्टिकल्स जो हैं हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं, हमने ये भी देख लिया था। देखो, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जो कि डिफाइंड ना हो, जिसके बारे में हमें ये ना पता हो कि पार्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आई हैव अ पेन, कोई भी पेन हो सकता है, यू हैव अ नोटबुक, यू हैव अ कार, है ना। तो इसी तरीके से जो जनरल सेंस में यूज किए जा रहे हो, कोई भी सब में से। जैसे क्लास में कई बार मैं बोलती भी हूँ, जैसे मैंने बोला बॉयज स्टैंड अप, ठीक है। तो जर्नलाइज चीज़ों में बोले मैंने बोल दिया कि बॉयज स्टैंड अप, तो कोई भी लड़का हो सकता है। अब मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कैसे कर सकती हूँ? द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, द बॉय सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच नियर द वॉल, विद द वॉल स्टैंड अप, तो देन वो स्पेसिफिक हो गया। तो दो चीज़ें हैं, एक हमारा क्या कि जनरल थिंग होंगी, जो स्पेसिफिक थिंग होगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। जहाँ पर हमें इन चीज़ों का अच्छे से नॉलेज हो गया ना, आर्टिकल हमारे लिए कुछ है ही नहीं। फिर जब जनरल थिंग होती हैं तो हम उनके लिए ए और एन का यूज करते हैं, या ए आ जाए या एन हो जाए, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज होंगे? जब स्पेसिफिक यूज हो, तो कोई किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए। जैसे आई हैव अ पेन, ओके, मैं बोल रही हूँ आई हैव अ पेन। तो जब मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो हमारे पास कोई भी एक पेन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं जब बोलूँ आई हैव लॉस्ट द पेन विच यू गिफ्टेड मी, जैसे यहाँ पर आगे हो जाए आई हैव लॉस्ट द पेन, कौन सा विच पेन? आई हैव लॉस्ट द पेन, लॉस्ट द पेन। अब यहाँ पर द पेन क्यों? क्योंकि इसके आगे इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, विच ही और यू गिफ्टेड मी, है ना। मेरा से वो पेन गायब हो गया है जो तुमने मुझे दिया था। कोई भी पेन नहीं रहा, अब वो स्पेसिफिक पेन, गिफ्टेड पेन आ गया, ठीक है। यही फ़र्क होता है जर्नलाइजिंग में और स्पेसिफिक थिंग में। यही हमारे आर्टिकल डिफाइन करते हैं। किसी के साथ आर्टिकल ए और एन लगा हुआ था, मतलब जर्नल यूज है। और जब आर्टिकल हमारे द लगा हुआ है वहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिक यूज है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो ये स्टूडेंट, अब देख लो एक बार ये चीज़ें अगेन एक ग्राफिकल वे में आपको बताया जा रहा है। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझना है। देखो, नाउन कल हमने डिसाइड किया, डिसाइड नहीं सॉरी, हमने एक्चुअली स्टडी किया था कि नाउन जो होते हैं दो होते हैं, काउंटेबल और दूसरी कौन सी है? अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल। काउंटेबल कौन सी होगी? जिनको आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 में काउंट कर लिया। और अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल कौन सी है? जिनको कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो जो काउंटेबल नाउन होती हैं, उनको भी हम दो चीज दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक और जनरल। तो जब जनरल सेंस में यूज होती हैं, तो फिर वो दो टाइप से हो जाएगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जब प्लूरल है तो जीरो आर्टिकल, और जब सिंगुलर में है यानी कि एक वचन और बहुवचन, ठीक है। बिल्कुल टिपिकल हिंदी बोल रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हों। जब एक है तो सिंगुलर है, और बॉयज़ बहुत सारे हो गए तो वो प्लूरल हो गया। तो बॉयज़ जब है ना प्लूरल में है तो नो आर्टिकल, जनरल चीज़ें और प्लूरल में है तो नो आर्टिकल। लेकिन जब इन चीज़ों को स्पेसिफिक हम बना रहे हैं, तो स्पेसिफिक वे जब उनका यूज हो रहा है, तो दो कैटेगरी हो गई, नॉन और अननोन। या तो चीज़ नॉन होगी या फिर अननोन होगी। जब वो नॉन चीज़ है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ दा लगता है, और जब वो अननोन है तो क्या होगा वहाँ पर? सिंगुलर के साथ तो ए और एन, और प्लूरल के साथ जीरो आर्टिकल। ये हमने देख लिया था कल की वीडियो में हमारा, अगर नहीं देखा है तो देख लो, ये सिंबल जो है जीरो आर्टिकल का था, ठीक है। अब जो नॉन काउंट होने वाली है, नॉन काउंटेबल है हमारी नाउन, उन नाउन का क्या है कि फिर से वो जनरल और स्पेसिफिक हो जाएंगी। या तो कोई बहुत स्पेशल चीज़ है, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, और जनरल का क्या मतलब है कि जनरली बस ऐसे ही कोई भी, है ना, इस चीज़ में। तो नॉन काउंटेबल जो होती हैं उनके लिए क्या होगा? जनरल सेंस में तो हमेशा ही जीरो आर्टिकल आएगा। और जस्ट वेट, हाँ बेटा, जनरल सेंस में तो हमेशा ही
जीरो आर्टिकल आएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, जीरो आर्टिकल। और जब आपका स्पेसिफिक यूज है तो नोन और अननोन, अननोन थिंग है तो लगा दो बेटा जीरो आर्टिकल, और नोन थिंग के लिए द। मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा कि जितने भी नोन थिंग्स हैं, नोन थिंग्स में अब देखो एक तो कॉन्सेप्ट यही हो गया, नोन है या अननोन है, या फिर आप सन की बात कर लो, अर्थ की बात कर लो, हिमालय की बात कर लो, या ओशियंस की बात कर लो, जो चीज़ें फेमस हैं जो नोन हैं वो चीज़ें द कैरी करेंगी, और अननोन थिंग्स जो होंगे उनके लिए ए नहीं लगाओगे कि अननोन काउंटेबल में, ठीक है। और अगर तुम्हारे सिंगुलर में है तो ही नॉन काउंटेबल के लिए क्या लगेगा आपका जो है जीरो, और नॉन के लिए लगता है आपका द, और अननोन के लिए सिंगुलर है तो ए और एन, और प्लूरल है तो जीरो आर्टिकल। क्लियर, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं यूजेज ऑफ वोवल्स जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं ना, जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश में वो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, वोवल्स से और कॉन्सोनेंट से, या तो वोवल से स्टार्ट होगा या कॉन्सोनेंट से होगा। कॉन्सोनेंट हमारे बाकी सारे ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ये फाइव क्या हैं, वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और जो हमारे बाकी जितने भी बच गए वो हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर साउंड लिखा हुआ है बेटा, वोवल्स भी साउंड के साथ ही, यहाँ पर हम वोवल्स को ऐसे नहीं करेंगे। एक्चुअली ना हम जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं वो हमारे पास 26 हैं, जिनमें से हमने 5 को वोवल्स मान लिया, और 21 जो हैं वो हमारे पास हो गए क्या, कॉन्सोनेंट। अब चीज़ें यहीं तक नहीं है, जो हमने पढ़ा है वो हमारी सिर्फ राइटिंग के लिए है। एक्चुअली जो इंग्लिश है हमारी, इंग्लिश में हमारे पास 20 वोवल साउंड होती हैं, ठीक है, 20 वोवल साउंड और 24 जो है कॉन्सोनेंट साउंड, और टोटल 44 साउंड्स होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। हम बोलते नहीं है कई बार कि अजीब सी है और केमिस्ट्री, या फिर कैट, या सी एच ए से चेयर क्यों बना, कहीं सी का की साउंड दे रही है, कहीं सै की साउंड दे रही है। तो ये चीज़ें एक्चुअली होती क्यों हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो स्टडी करते हैं वो हमारा जो सिलेबस होता है वो यहाँ 26 तक अटक कर रह जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये है 24। तो जब तक हमें इन 20 का नहीं पता, 20 को भी फिर हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 हमारे होते हैं मोनोथोंग्स, और 12 जो होते हैं डीप सॉन्ग होते हैं, जैसे साउंड अलग अलग आते हैं। चलो हमारा वो टॉपिक नहीं है, डिटेल में इतने नहीं जाएंगे, बट फैक्ट यही है। तो अब हम वोवल्स को देखकर ये 5 वोवल्स सारे के सारे साउंड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। दैट्स वाई हमारे पास इसके लिए क्या है कि हम हिंदी के जो हमारे स्वर होते हैं ना, उनको हम अपना बेस बना लेते हैं और व्यंजन को बना लेते हैं। जहाँ पर स्वर की साउंड होगी, जहाँ पर साउंड स्वर की आ रही है वहाँ पर आप लगाओगे एन, और जहाँ पर साउंड व्यंजन की आ रही है वहाँ पर आप लगाओगे क्या, ए, ठीक है। लेकिन कहाँ पर, जब जर्नलाइज थिंग्स हैं, इस वर्ड को छोड़ना ही नहीं है, जर्नल थिंग है जो, जर्नलाइज थिंग है और सिंगुलर है, तो ए और एन का यूज हम करें तो पहली चीज़ उसके लिए सिंगुलर होना ज़रूरी है, और प्लस जर्नलाइज यूज होना चाहिए बच्चों, है ना। तो ये चीज़ यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे जो हम करेंगे उन स्लाइड्स में हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो पिछले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट करते जा रहे थे, ग्राफिकल वे में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा मुझे, दैट्स वाई कुछ चीज़ें शायद कुछ बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो, एट मेरे हिसाब से होनी चाहिए इम्पोर्टेंट। डाउट है बेटा आप पूछ। तो आज हम कर रहे हैं बात मिस्टर स्पेशल के बारे में। मिस्टर स्पेशल कौन है, मिस्टर स्पेशल कौन है, द। हमारे आर्टिकल में तो यही स्पेसिफिक चीज़ों को बताते हैं ना, तो मिस्टर स्पेशल के बारे में आज हम बात कर लेते हैं, मिस्टर स्पेशल द के बारे में, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित चीज़ों को बताता है, एक एक करके इसके यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा इसके लिए यूज है व्हेन द अदर पर्सन नोज वट वी आर रेफरिंग टू, जब मतलब नोन थिंग है, जिसके कौन सी लड़की के बारे में या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी कार की बात कर रहे हैं, वो चीज़ जो कि हमारे लिसनर को ऑलरेडी पता है, जैसे हम क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें बोलूँ कि ये वर्ड कोई वर्ड है, जैसे सिंपली कोई वर्ड आया हुआ था, एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, ये वर्ड
द वर्ड वी स्टडीड इन आवर लास्ट क्लास, हमारी जो पिछली क्लास हुई थी जिसको हमने उस क्लास में डिस्क्राइब किया था, वो वर्ड आपके लिए नोन हो गया ना। कई बार ये टेक्निक यूज भी की जाती है कि हाँ ये वर्ड आया हुआ है, बताओ कहाँ देखा था, कैसे देखा था, इस तरीके से, है ना। तो उन चीज़ों के लिए, जबकि जो हम नोन थिंग है हमारे लिए, जो जिन चीज़ों को आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, या जो लिसनर है ना, आप तो जानते ही हो, जो हमारा लिसनर है ना, जो हमारा सुनने वाला है, उसको पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो एक पिक्चर है, यहाँ पर पूछा गया हु इज़ द गर्ल, सपोज ये दोनों बात कर रहे हैं और इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके सामने बैठी हु इज़ द गर्ल वी आर हु इज़ द गर्ल यू वर टॉकिंग विद, कौन लड़की थी जिसके साथ तुम बात कर रहे थे, ओके। फिर उसके बाद हर नेम इज़ सैली एंड शी इज़ द न्यू टीचर, तो ये तो टीचर है, ओके, इसने बताया। तो द क्यों यूज कर रहे हैं, द गर्ल या फिर द न्यू टीचर। मान लो मैंने तुम्हें बोला बेटा गिव मी ए पेन, ठीक है, मेरा सेंटेंस क्या है, सबसे पहले गिव मी ए पेन। सपोज मैं नोटबुक या तुम्हारे टेस्ट वगैरह चेक कर रही हूँ और मैंने तुम्हें पूछ लिया गिव मी ए पेन, देन तुमने मुझे कोई भी पेन दिया, द फिर मैं बोलूँ नो द रेड वन, द रेड वन। अब क्या किया मैंने, सारे पेन में से स्पेसिफिक बोल दिया, नहीं मुझे द रेड वन चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जब मैं चीज़ों को स्पेसिफिक बना रही हूँ, या कोई ऐसी चीज़ कि वो पेन, यहाँ पर द रेड वन की बजाय मैं बोल देती नो द पेन विच यू बॉट यस्टरडे, वो पेन जो कल खरीदा था वो ही वाला चाहिए, है ना। तो नोन थिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, द का, ओके। नेक्स्ट है आपका यूनिक थिंग्स और पीपल, यूनिक जहाँ पर बोल दिया, इट मीन्स जो वर्ल्ड में एक ही है, अपने टाइप की एक है, पीपल, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द इंटरनेट, द किंग, है ना, जितने भी हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजिडेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिक थिंग्स के लिए हम यूज कर लेते हैं क्या, द का। नेक्स्ट है आपका बिफोर सुपरलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क्स कटता ही नहीं है। देखो सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, सबसे पहले टॉल आ जाएगा, लंबा, उसके बाद टॉलर आ गया, दो के बीच में कंपैरिजन, बट द टॉलेस्ट, है ना, ये कौन है, टॉलेस्ट मैन, सबसे बड़ा। एक सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है, इन मैक्सिमम केसेस द वर्स्ट मूवी द बेस्ट। अब यहाँ बोल दोगे EST नहीं लगा हुआ, तो वो सेंटेंस डिसाइड करता है ना बेटा, RST आया हुआ है, द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो सर वर्ल्ड की जो बेस्ट सिटी है उसके बारे में, द बेस्ट, BEST, बेस्ट, सबसे अच्छी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ही क्या लगता है हमारा, आर्टिकल द, क्लियर है, भूलना नहीं चाहिए, याद रहे। नेक्स्ट देखो बेटा, बिफोर सुपरलेटिव्स, अगेन यही स्लाइड आ गई, एक सेकेंड चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। टू टॉक अबाउट प्रीवियसली मैंशन थिंग्स, ठीक है, जो मेंशन कर ली पहले उसी के बारे में, देर इज ए कैट इन योर होम, फर्स्ट टाइम जब बताया था तो एक कैट थी, और अब क्योंकि वो चीज़ हमने पहले मेंशन कर ली थी, हमारे लिसनर के लिए वो नोन हो गई है, हमारा लिसनर जो है, सुनने वाला जो है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं, वो इस चीज़ के बारे में जानता है, तो क्या आ गया, द कैट इज वाइट, सबसे पहले एक कैट है, तो कैट जो है वो क्या है, आपकी नोन नहीं थी, है ना, तो एक कैट, कोई भी एक कैट थी, लेकिन जब आपने उसको मेंशन कर दिया कि वो कैट जो मैं यहाँ पर तुम्हारे रूम में है, वो स्पेसिफिक कैट, वो वाइट कलर की है, तो यहाँ पर द, ठीक है। चलो आगे, नंबर 5 है, व्हेन टॉकिंग अबाउट द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स एंड प्लेसेस, जो जियोग्राफिकल फीचर होते हैं, कौन से जियोग्राफिकल फीचर है, जियोग्राफी से क्या मतलब है, जो क्या बोलेंगे हिंदी में, जियोग्राफी भाई होता है ना सब्जेक्ट, जियोग्राफी मतलब जो पहाड़, पर्वत, नदी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको जियोग्राफिकल फीचर से बोलते हैं, है ना। तो रिवर जो होते हैं वो सीज, ओशियन एंड कैनल्स, इन सब के साथ भी क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज करता है। माउंटेन रेंज, आइलैंड्स एंड डेजर्ट, रेगिस्तान को बोलते हैं, जैसे द थार, है ना, द थार डेजर्ट, या फिर ओशियन की बात कर रहे हो, द इंडियन ओशियन, इस तरीके से,
द इंडियन ओशियन हो गया. अच्छा, और माउंटेन रेंज भी यूज किया जाता है. लेकिन एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि हमारी जो अरावली होती है, अरावली और एवरेस्ट जो होती है, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखना. देखो, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं और ये समझ लो कि इंग्लिश के एक्सेप्शंस हैं. तो एवरेस्ट और अरावली के साथ नो आर्टिकल. ओके बेटा, आगे चलते हैं. विद द नेम ऑफ द कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, वो बात हुई थी हमने पिछले, आई थिंक पिछले वीडियो में शायद डिस्कस किया हो. जैसे चाइना के साथ नहीं लगेगा या इंडियन के साथ नहीं, इंडिया के साथ नहीं लगाओगे, लेकिन यूएसए जो होता है ना, यूएसए के साथ क्यों लगता है कि यूनाइटेड और प्लूरल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ग्रुप ऑफ स्टेट्स मतलब काफ़ी सारे स्टेट को मिला के जो बनाया हुआ है, दैट इज़ जो है आपका प्लूरल. तो कंट्रीज़ के नेम जब प्लूरल में आ जाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट द रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब ये जो है अकेला चाइना के साथ नहीं लगेगा, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द नीदरलैंड्स जब प्लूरल में यूज कर रहे हो. और फेमस बिल्डिंग जितनी भी होती हैं, द साइंस म्यूजियम, द मोनालिसा जो पेंटिंग है, द रेड फोर्ट, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द होटल है, नेम्स ऑफ होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा और थिएटर्स इनके साथ लगता है. ठीक है, हमारी जो ट्रेन्स होती हैं, द शताब्दी एक्सप्रेस, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके साथ भी लगता है. ठीक है, आगे देखो बेटा, नेम ऑफ द फैमिलीज, फैमिलीज जो वो बहुत फेमस फेमस फैमिलीज हैं, ऑल दो जो हमारे ये फैमिलीज हैं ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. जैसे मैं बोल दूँ गांधी, है ना, गांधी, तो ये क्या है हमारा नाम हो गया, लेकिन द गांधीज का मतलब क्या है, वो पूरी की पूरी फैमिली जिनका सरनेम गांधी है, वो फेमस फैमिली उनके लिए. ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन के साथ हम यूज नहीं करते, बट प्रॉपर नाउन के साथ यूज हो जाएगा कब, जब उस पर्सन को उसके हम क्वालिटीज के लिए यूज कर रहे हैं. जैसे ही इज डैश राम ऑफ कलयुग, है ना. तो अब क्या है, वो लड़का जो है जिसकी बात कर रहे हैं, वो राम एक्चुअली नहीं बन गया है, बल्कि राम की क्वालिटी जो है ना उसके अंदर है, वो इतना ग्रेट है, जैसे कि उसके उसकी उन क्वालिटीज़ की वजह से हम उसको लॉर्ड राम से जो है कंपेयर कर रहे हैं. और दैट्स वाई ये क्या है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ही इज़ द राम ऑफ कलयुग. ओके बेटा, चलो आगे. स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, द डोमेस्टिक कैट, द अफ्रीकन, जब एक क्या होता है एक एनिमल पूरी की पूरी स्पीस अपने जैसे जो जितने भी एनिमल है ना सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब द डोमेस्टिक कैट. ओके, जैसे द अफ्रीकन लॉयन. तो अब क्या है, एक नहीं है ये क्या है, इसके जितने जितने भी लॉयन है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस सेंस में द लगता है. नेम ऑफ द नेशनल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, द रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना, द बीजेपी, द कांग्रेस, जितने भी मतलब नेशनल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ. एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, अच्छा ये चीज़ ठीक है. द फ्रेंच इंजॉय चीज़, और फ्रेंच जो है ना, ये चीज़ देख लो बेटा एक बार क्या है कि फ्रेंच जो है एक तो हमारी लैंग्वेज होती है ना, लेकिन यहाँ पर पीपल के लिए लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज जो होता है ना, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लैंग्वेज के लिए कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन लैंग्वेज ना हो के जो वो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है ना, तो लगता है. जैसे देखो यहाँ पर द फ्रेंच इंजॉय चीज, क्या फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो चीज़ को इंजॉय कर सकती है, नहीं ना, तो इसलिए क्या है ये पीपल है बेटा. जैसे एक होता है सेंटेंस, देखो हमारे पास दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस मैंने कहा इंग्लिश इज स्पोकन, है ना, इंग्लिश यहाँ पर डैश है हमारे पास ब्लैंक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक तो ये सेंटेंस हो गया, और एक हो गया डैश इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग, है ना. तो देखो कोई लैंग्वेज हार्ड वर्किंग नहीं हो सकती, ये पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, द इंग्लिश हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि लैंग्वेज है स्पोकन, स्पोकन
लैंग्वेज है ना इंग्लिश को बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। तो इस चीज़ को समझ लेना है, जब कोई नाम जो है ये लैंग्वेज का के लिए यूज हुआ हुआ है, या ये वर्ड जो है आपके सामने किसी लोगों को दिखा रहा है, पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या करोगे आप, उसके साथ द लग जाता है। और द पुअर है जैसे, है ना, यहाँ पर द पुअर से क्या मतलब है, एक गरीब नहीं, वो पूरी की पूरी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सारे के सारे गरीबों को, इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलो। विद द नेम ऑफ इन्वेंशन और टेलीफोन का, ये इन्वेंशन वर्ड आ जाए ना, इन्वेंशन वर्ड, इन्वेंटेड वर्ड आ जाए, उसके साथ जिस भी वर्ड का इन्वेंशन हुआ उसके साथ द लग जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखना, ऑन टीवी होता है, ऑन कंप्यूटर होता है, लेकिन ऑन द रेडियो होता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना भाई। अब क्यों है ऐसा, इसको एक्सप्लेन करें तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, यही एक्सेप्शन वाली बात आ जाती है। कुछ चीज़ों को हमें माइंड में ऐसे ही याद करना पड़ता है कि रेडियो के साथ ऑन द रेडियो लगता है, लेकिन टीवी और बाकी इंस्ट्रूमेंट, जैसे देखो, एक तो सिंपली ये हो गया, कंफ्यूज मत होना, एक तो मैंने ये बोल दिया कि तुम्हारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ इन्वेंशन वर्ड आ जाए, इन्वेंटेड आ जाए, है ना, इन्वेंशन करना, इन्वेंट करना, यानी क्या क्या होता है, बनाना किसी चीज़ का, निर्माण करना, इस तरह का कुछ हिंदी मीनिंग निकलेगा इसका। और जब ये वर्ड आया हुआ है तो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी बनाया गया है उसके साथ दा लगता है। लेकिन जैसे आई वॉच दिस मूवी ऑन टीवी, है ना, दिस मूवी ऑन टीवी, तो यहाँ पर ऑन द टीवी नहीं आएगा, ऑन टीवी आएगा, लेकिन रेडियो के साथ दा लगता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे है आपका डिकेड्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स के साथ, है ना। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे सेवन्थ, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरीके से हो गया, है ना। सेंचुरीज के साथ लगता है, द सेवनटीन्थ सेंचुरी, द 21st सेंचुरी, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनके साथ भी लगता है। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर हमने एक बार डिस्कस कर भी लिया है कि नेम ऑफ द न्यूज़पेपर के साथ भी क्या द का यूज होता है। चलो बेटा, आगे अगेन वही आ रही है। एक बार ये क्विक रिवीजन के लिए रखा हुआ है, फर्स्ट यूज द पर्सन जो कि व्हाट वी आर रेफरिंग टू, जो कि नोन होते हैं स्पीकर के लिए, क्विकली इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यूनिक थिंग जो होती हैं, जैसे सन, मून, किंग, ये सारी चीज़ें आ गई थी। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द बेस्ट, द वर्स्ट, टू टॉक अबाउट द प्रीवियस मैंशन थिंग्स, ठीक है, हमने देखा था वो कैट वाला एग्जाम्पल हमारे साथ था। और वैन वी टॉक, वेन टॉकिंग अ सर्टन जियोग्राफिकल फीचर्स, तो फीचर्स आए थे, प्लेसेज आए थे, रिवर था, ओशियन था, सी था, ऑल दीज थिंग्स, है ना। और उसके बाद वेन टॉकिंग अबाउट सर्टन ग्रुप्स, जैसे कुछ फैमिलीज के नाम, ऑर्गेनाइजेशन के नाम, और स्पेसीज ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करें हैं। इन्वेंशन न्यूज़पेपर और डिकेड्स के बारे में बात करते हैं तो भी यूज करते हैं। ये क्विक रिविजन के लिए था, जो पहले मैंने पढ़ा है वही स्लाइड रिपीटेड है। ओके, अब यहाँ पर ये आ गया आपका एक्सरसाइज वाला पार्ट। नाउ करें साथ में या होमवर्क में दे दूं, क्या करना चाहिए, चलो कर लेते हैं। ठीक है, आई लाइक डेस ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन। अच्छा, देखो ये बोलता है आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट, अगर अब अच्छा ये चीज़ यहाँ पर सोच के देखो, उसके आगे बोला देयर बेटर देन, वहाँ पर है जो बेटर देन द रेड वन, रेड वन से ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा पसंद है, है ना। तो एक स्पेसिफिक ब्लू के नहीं बोल रहा है, कोई ऐसी थोड़ी है कि दुनिया में जितनी भी ब्लू टी शर्ट है उनकी बात हो रही है, नहीं, वो एक स्पेसिफिक जगह पर रखी हुई जो ब्लू टी शर्ट है उसकी बात कर रहा है। और जब भी स्पेसिफिक यूज हो तो हमें यूज करना है द का। ठीक है, देयर कार डज 150 miles डस आवर। अच्छा, ये चीज़ तो शायद नेक्स्ट स्लाइड में होगी, लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो कुछ एक तो हमारे पास ना एच से वर्ड स्टार्ट होंगे और एक हमारे पास ओ से होता है, जैसे वन है, नहीं ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है,
चलो एक बार दोबारा से बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। आवर है, अच्छा, इसके बाद एयर वर्ड आता है, इसके बाद ओनेस्ट आता है ना, और इसके बाद ऑनर आता है। ये चार पांच वर्ड हैं जिनके जो स्टार्ट एच से हो रहे होते हैं, लेकिन इनमें एच जो है ना साइलेंट होता है। तो आवर बोलते हैं इसको, हावर नहीं बोलते हैं, जो है वो साइलेंट है। और दैट्स वाई जो हम साउंड का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, एक्चुअली आज हमने किया द के बारे में है, लेकिन एक चलो एग्जांपल आ गया तो देख ही लिया हमने। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आ जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इसकी साउंड जो है एच साइलेंट होने से ये सवर की साउंड देगा। डू यू स्टिल लिव इन ब्रिस्टल, है ना। ब्रिस्टल जो है ना तो प्लूरल है और ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर लंच, यूजुअली बात हो रही है ना, स्पेसिफिक लंच है ही नहीं। तो नेम ऑफ द डिनर के साथ, सॉरी, नेम ऑफ द मील, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के साथ नो आर्टिकल। बेन हैज़ टेरिबल हेडेक, हेडेक एक के साथ हमने स्पेसिफिक देखा था, क्या था, कौन बताएगा, सोच लिया। एक के साथ हमने देखा था ट्यूमर, एक, इनके साथ क्या था, ए का यूज होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन एक के साथ आर्टिकल। बेन हैज अ टेरिबल हेडेक। माय वाइफ लाइक्स डेस फ्लावर्स वेरी मच, फ्लावर्स प्लूरल है बेटा, कोई स्पेसिफिक फ्लावर तो नहीं बात हो रही, जर्नलाइज सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल के साथ जीरो आर्टिकल। ओके, ठीक है, चलो आगे ये भी कर लें। अच्छा जी, चलो नहीं कर रहे भाई, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया। ओके, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना, अच्छा क्या कर रहे हैं हम, मुझे एक्चुअली कुछ इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में ही देने चाहिए थी। पहली चीज, जितने भी रूल्स हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना ही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमारी प्रीवियस नोटबुक में ये लिखे हुए हैं, हमारे पास ये रूल है। बेटा लिखे तो पता नहीं कितनी जगह पर हुए हैं, जितनी बुक खरीद के लाओगे, ये इतना कॉमन सा टॉपिक है कि हर जगह पर ये लिखा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, या मैंने जो बताया है वो अपनी ओर से स्पेसिफिक कुछ रूल ग्रामर के बना के और मैं आपको बता पाऊंगी, ऐसा नहीं होता। जो फिक्स रूल है, रूल्स का मतलब ही फिक्स से होता है बेटा, तो रूल्स तो फिक्स ही हो गए। तो अगर वो रूल सेम है तो भी लिखने हैं, ठीक है। क्यों लिखने हैं, क्योंकि लिखने से चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं, चीज़ें जिन्होंने लिखे हुए उनके रिवाइज हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज वन जो है हमने यहाँ पर कर ली है, लेकिन उसके एग्जांपल्स को लिख के और उसमें नोट डाउन करना है, अपने भी आंसर मैच करना है ना। थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया करो वीडियो को, ताकि तुम्हारा जो आंसर है गलत है, ठीक है, क्या देखो तो सही हमने कितना समझा। और दूसरी थिंग, जो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, इसको राइट डाउन कर लेना, देन विद पेंसिल अपने आंसर्स को फिल कर लेना, गलत है या मतलब ऐसा ना होना कि पेंसिल क्या हम ठीक कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, विद पेंसिल अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कर लेना। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग।